फ्रेंड्स, यह सोचना भी मुश्किल होता है कि क्या एक इंजीनियर दुनिया को हंसाने के सफर पर रवाना हो सकता है, लेकिन जसपाल भट्टी ने यह किया। 1980 के दशक के अंत में टेलीविजन पर जब उल्टा पुल्टा शो शुरू हुआ था, यह टेलीविजन के इतिहास में पहला सटायर शो था। दोस्तों, आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, यह आज भी खूब देखा और पसंद किया जाता है। बड़ी बात तो यह है कि यह आज भी बेहद ताजा लगता है। लगता ही नहीं है कि यह 80 के दशक में बना होगा। उसमें उठाए गए मुद्दे आज भी हमारे समाज में यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हैं। इस शो में जसपाल भट्टी ने देश के लोगों की समस्याओं को सटीक व्यंग के माध्यम से पेश किया था। इस शो का इंतजार घर घर में किया जाने लगा था। फ्रेंड्स, जसपाल भट्टी पेशे से इंजीनियर थे। जसपाल भट्टी ने कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते ही अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर नॉनसेंस क्लब बनाया था। भट्टी का यह नॉनसेंस क्लब मोहल्ले मोहल्ले पहुंचकर नुक्कड़ नाटक करने लगा। भट्टी ने कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री ली, लेकिन काम इंजीनियरिंग का नहीं किया। उन्होंने एक अखबार में कार्टूनिस्ट की नौकरी शुरू की। उनके कार्टून भी खूब मशहूर हुए। जसपाल भट्टी ने उल्टा पुल्टा के बाद 90 के दशक की शुरुआत में एक और सटायर शो बनाया था, जिसका नाम था फ्लॉप शो। यह शो मिडिल क्लास के जीवन से जुड़ी परेशानियों पर केंद्रित था। उनका यह शो भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया। जसपाल भट्टी ने टीवी शो के अलावा करीब 25 फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने 1999 में पंजाब पुलिस पर तंज कसते हुए माहौल ठीक है नाम की एक फिल्म भी बनाई थी। जसपाल भट्टी के जीवन का सफर बस टीवी और सिनेमा तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई थी। 1995 में जैन हवाला कांड सुर्खियों में था और उस वक्त उन्होंने हवाला पार्टी के नाम से एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया। इसके बाद साल 2002 में उन्होंने सूटकेस पार्टी भी बनाई। वे भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारों के आंदोलन में भी शामिल रहे हैं। 2012 में उन्होंने सिस्टम पर तंज कसते हुए पावर कट नाम की एक फिल्म बनाई। इसी फिल्म के प्रमोशन के लिए जाते वक्त जालंधर में 25 अक्टूबर 2012 को एक सड़क हादसे में उनका निधन हो गया। वे महज 57 साल के थे। उनकी मौत के एक साल बाद 2013 में उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, जसपाल भट्टी जीवन भर सामाजिक बुराइयां, भ्रष्टाचार और समाज के भले के लिए अपने तरीके से काम करते रहे हैं। आप बने रहें YRY18 के साथ। हॉलीवुड, बॉलीवुड और देश विदेश की महान हस्तियों के बारे में जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।